हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। दोस्तों बीपीएल और गुलाबी राशन कार्डों को लेकर नई सूची जारी हुई है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। तो दोस्तों अगर आपका पहले से SBPL पीला यानी बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ था या फिर दोस्तों आपका पहले AAY यानी गुलाबी राशन कार्ड बना हुआ था, तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं जिसका पहले राशन कार्ड बना हुआ था उनके राशन कार्डों में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने दो राशन कार्ड आपको दिख रहे होंगे। ये जो राशन कार्ड है दोस्तों वो SBPL यानी पीला है यानी BPL राशन कार्ड है, और दोस्तों ये जो राशन कार्ड है वो AAY यानी अंत्योदय परिवार गुलाबी राशन कार्ड है। लेकिन दोस्तों ये जो राशन कार्ड है वो अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही लाभार्थी के ये दोनों राशन कार्ड है। दोस्तों जब शुरुआत में हरियाणा सरकार ने दिसंबर में सूची जारी की तो उस समय इस लाभार्थी का राशन कार्ड है वो पीला यानी SBPL बना दिया गया। जिसका ये राशन कार्ड है वो परिवार में अकेली महिला है और उसकी जो उम्र है वो यहां पर आप देख सकते हैं वो 60 साल हो चुकी है। अकेले होने के कारण जो इसकी इनकम है वो दोस्तों केवल 25 से 50,000 ही वेरीफाई है, क्योंकि विधवा पेंशन के अलावा इसके पास कमाई का और कोई भी जरिया नहीं है। इसलिए जो इसकी वेरीफाइड इनकम है वो 25 से 50,000 शुरुआत से ही वेरीफाई है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये जो राशन कार्ड प्रिंट किया गया था वो किया गया था 23/12/2022 को, यानी हरियाणा सरकार ने जब राशन कार्ड डाउनलोड करने शुरू किए उस समय राशन कार्ड जारी हुआ था। और दोस्तों अब ये जो राशन कार्ड मैंने निकाला है वो भी आप डेट यहां पर देख सकते हैं, आज ही की डेट में ये जो राशन कार्ड है मैंने यहां पर प्रिंट किया है फोन के माध्यम से, इसलिए दोस्तों आपको ये अच्छे प्रकार से नहीं दिख रहा होगा। दोस्तों यहां पर आप डेट देख सकते हैं 29 अप्रैल 2023, और दोस्तों कुछ दिन पहले ही ये जो राशन कार्ड हैं अब चेंज हो गए हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दी थी कुछ दिन पहले ही, लगभग 20 से 25 दिन पहले, कि जो BPL राशन कार्ड हैं वो चेंज होने शुरू हो गए हैं, यानी दोस्तों जो BPL हैं वो गुलाबी बन गए और गुलाबी हैं वो BPL बन गए। अब दोस्तों ये चेंज कैसे हो रहे हैं, तो दोस्तों ये सारा इनकम का चक्कर है। यानी दोस्तों अगर आपकी फैमिली ID में पहले इनकम 50 से 75,000 के स्लॉट में या उससे ऊपर वेरीफाई थी, यानी 50,000 से अधिक अगर आपकी इनकम वेरीफाई थी तो आपका जो पीला राशन कार्ड है वो बन गया होगा। लेकिन दोस्तों अब अगर आपकी इनकम 50,000 से नीचे वेरीफाई हो गई है, 50,000 तक या उससे कम वेरीफाई हो गई है, तो जो आपका राशन कार्ड है अब गुलाबी में बदली हो गया होगा यानी चेंज हो गया होगा। और दोस्तों पहले जो आपकी इनकम है वो 50,000 या उससे कम वेरीफाई थी और आपका गुलाबी राशन कार्ड बन गया था, और अब जो आपकी इनकम है वो 50,000 से अधिक वेरीफाई हो गई है, तो दोस्तों अब आपका गुलाबी से पीला राशन कार्ड भी बन गया होगा। लेकिन दोस्तों बहुत से लाभार्थियों के साथ पहले ये समस्या भी आई थी कि उनकी जो इनकम है वो 50,000 से कम वेरीफाई थी। दोस्तों ये जो महिला है इसकी जो इनकम है वो शुरुआत से ही 50,000 से कम या 50,000 ही वेरीफाई थी, लेकिन दोस्तों इसका जो राशन कार्ड है वो पीला बना दिया गया। लेकिन दोस्तों अब वह जो राशन कार्ड है वो चेंज हो चुके हैं। अगर गलती से कम इनकम पर भी अगर पीला राशन कार्ड बन गया था तो दोस्तों अब वह गुलाबी में बदली हो गया है, और दोस्तों ज्यादा इनकम पर अगर गुलाबी बन गया था तो वह पीले में बदली हो गया है। तो दोस्तों 50,000 या उससे कम अगर आपकी इनकम वेरीफाई है तो आपका जो राशन कार्ड है अब गुलाबी हो गया होगा, और अगर आपकी इनकम 50,000 से अधिक और 1,80,000 से कम वेरीफाई होगी तो अब जो आपका राशन कार्ड है वो पीला हो गया होगा। तो दोस्तों इनकम के हिसाब से आपके जो राशन कार्ड हैं वो चेंज हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका राशन कार्ड लगभग एक सप्ताह पहले ही बना है जब हरियाणा सरकार ने नई सूची जारी की थी, वो राशन कार्ड दोस्तों अभी चेंज नहीं हुए हैं चाहे आपकी इनकम कम हो। लेकिन दोस्तों अब हर महीने जो राशन कार्ड है वो चेंज हो रहे हैं। मैंने 20-25 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि जो राशन कार्ड हैं वो पीले से गुलाबी हो गए हैं और गुलाबी से पीले हो गए हैं, तो दोस्तों उस समय भी लिस्ट जारी हुई थी, और दोस्तों इस महीने फिर से एक लिस्ट जारी हो चुकी है। अब दोस्तों हर महीने राशन कार्ड कट रहे हैं, राशन कार्ड बन रहे हैं, और राशन कार्ड पीले से गुलाबी हो रहे हैं और गुलाबी से पीले हो रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी। एक बार आप अपना राशन कार्ड स्टेटस चेक कर लीजिए या राशन कार्ड डाउनलोड करके देख लीजिए कि अभी भी आपका राशन कार्ड
पीला ही है या गुलाबी ही है, या फिर दोस्तों गुलाबी से पीला हो गया है या पीले से गुलाबी हो गया है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो बना रखी है कि आप अपना राशन कार्ड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, या आप फैमिली आईडी की साइट से अपना राशन कार्ड स्टेटस चेक कैसे कर सकते हैं। दोस्तों दोनों वीडियोज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।